हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। पहला क्वेश्चन अपने पास है, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? ये यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, 2018 में पूछा गया है ये सवाल। तो सबसे पहले इससे संबंधित हमें फॉर्मूला समझ में आना चाहिए कि क्या है। इसलिए सीधा सा बता कि 500 वोल्ट के विभवांतर से उसको त्वरित कर दिया गया, अब बताएं कि उसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता था कि गतिज ऊर्जा जो वृद्धि होगी या गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो W यानी वर्क के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, गतिज ऊर्जा होता हाफ एम बी स्क्वायर और वर्क, यहाँ पर वर्क हम जो पढ़ रहे हैं वो होता आवेश और विभवांतर। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए अपने पास क्या होता है कि क्यू जो होता है वो ई होता है जो कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। वी अपने पास दे रखा है कितना, 500 वोल्ट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता 9.1 × 10⁻³¹ केज। अपने को वी चाहिए, यहां से अगर आप वी निकालोगे तो क्या बनेगा, वी स्क्वायर हो जाएगा 2qv और नीचे हो जाएगा m, स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगी, वैल्यू रख दो सबकी, तो v कितना आ जाएगा 2 और q यानी e जो कि है कितना 1.6 × 10⁻¹⁹, v वोल्टेज है 500 अपॉन ये है 9.1 × 10⁻³¹। इसी को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आंसर को निकालते हैं। अच्छा देखो, तो इसको अप्रॉक्स मान लिया जाए, अगर 9.0 इतना अगर हम मान लें, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कितना हो जाएगा देखते हैं। अच्छा, यहाँ 500 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 2 से तो 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1.6 × 10⁻¹⁹ पहले से है, और ये 500 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, नीचे 9 × 10⁻³¹। अच्छा देखो, 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 का क्यूब, तो इसे लिख लो 10 का क्यूब, सारे 10 पावर को एक साथ कर लेते हैं, फिर क्या बनेगा देखते हैं। तो अपनी सुविधा के लिए देखो, ये 1.6 है, तो इसमें से एक 10 कम कर लीजिए, यानी इसको लिख लीजिए 10² × 10। इस 10 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका डेसिमल हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 16, नीचे 9, 10⁻¹ सारे इकट्ठा कर दो। देखो −31 ऊपर जाएगा, प्लस का 31 हो जाएगा, 31 + 2 = 33 से आपको 19 माइनस कर देना है, कितना हो जाएगा 40, यानी कि ये हो जाएगा 10⁻¹⁴। ओके, इसी को सॉल्व कर लीजिए, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4 और 9 का हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10⁻⁷। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4/3 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, इतनी चाल इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है, एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है तथा जिस पर 10⁻¹⁸ कूलम आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है, यदि पहले बिंदु का विभव 600 वोल्ट हो और दूसरे बिंदु का विभव 0 हो, यदि दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग 20 cm/s हो तो पहले बिंदु पर गेंद का वेग क्या होगा। बढ़िया सवाल है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, यहाँ का विभव है 600 वोल्ट और दूसरे बिंदु का जो विभव है इसको V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया, ये 0 वोल्ट है। 1 ग्राम की गेंद है ये, m बराबर है 1 ग्राम, जिसे लिखोगे 10⁻³ किलोग्राम,
ये इधर मान लीजिए V1 चाल से चलती है V1 वेग से, और यहाँ पर जब पहुंचती है तो इसका वेग हो जाता है V2। V2 का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, जैसे आप लिखोगे 20×10^-2 मीटर प्रति सेकंड। इसका चार्ज दे रखा है 10^-8 कूलम। आपको ये V1 का मान बताना है कि कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डरने की बात नहीं। यहाँ पर भी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय अर्थात गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होगा, इसी का प्रयोग करना है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा के इक्वल टू W, यही फॉर्मूला चलाना है, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ½ m V2² - ½ m V1² किया गया कार्य Q × विभवांतर, विभवांतर हो जाएगा V2 - V1, ये हो गया। अच्छा इसमें से 1/2 m या m/2 को कॉमन कर लीजिए, बचेगा V2² - V1² यहाँ पर आपके पास ये दे ही रखा है V2 - V1। आपको ध्यान रखना है ये स्मॉल लेटर वाले हैं, स्पीड वाले, और ये कैपिटल है। अच्छा V1 कैलकुलेट करना है, V1 को कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा। इस पार्ट को उधर हटा देते हैं, यानी कि V2² - V1² = हो जाएगा 2Q/m V2 - V1। आपको V1 निकालना है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये पूरा पार्ट इधर ले आइए, V1 को उधर भेज दीजिए, यानी कि V2² - 2Q/m V2 - V1 इक्वल टू हो जाएगा इधर V1² अगर आपको V1 निकालना है तो स्क्वायर हटा करके इस पर क्या ले लो, स्क्वायर। अच्छा अब सबका मान रख लेते हैं।